इस पर विजय प्राप्त करते। इतना ही नहीं, सबसे पहले कोरोना का टीका बनाने वाले देशों में हमारा देश रहा और हमने 100 से ज्यादा देशों में कोरोना के टीके भेजकर एक विश्व मित्र की भूमिका निभाई। मुझे बरोबर याद है, पहले टीके आते थे तो भारत में आते आते और लगते लगते 40-40 साल हो जाते थे, 40-40 साल। इस बार टीका भी यहां सबसे पहले बना और टीका यहां सबसे पहले लगा और दुनिया के 100 देशों में टीका पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मित्रों, एक ऐसा नेता है जिसका कोई परिवार ही नहीं, इस देश के 130 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी का परिवार है, इसको किसी के लिए कुछ नहीं करना है। और ये सब परिवार वाली पार्टियां, मैं एक एक नेता का आपको गिन कर बता देता हूं, आप समझ भी जाओगे मेरे बोलते ही। एक साल में 3 महीना विदेश में छुट्टी मनाते हैं, बोलिए, और भारत का भला करते हैं। अरे यार छोड़ो, नाम सब जानते हैं, जानते हो तो ताली बजा दो भाई सब लोग एक बार। एक और एक साल में 3 महीना छुट्टी मनाने वाला नेतृत्व है, विदेश में छुट्टी मनाने वाला नेतृत्व है, दूसरी ओर 23 साल तक एक भी दिन छुट्टी न मनाने वाला कर्मयोगी नरेंद्र मोदी। समग्र भारत के सामने आज मोदी जी अपने परिवार की सोचते तो देश के 60 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज हर महीने मुफ्त नहीं मिलता, देश की 12 करोड़ माताओं का चूल्हा धुआं मुक्त नहीं होता, देश की 13 करोड़ बहनों को, परिवारों को शौचालय नहीं मिलता, 3 करोड़ लोगों को घर नहीं मिलता, और इसके साथ साथ देश के 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की दवाइयां मुफ्त नहीं मिलती। इस सभागार में जो लोग बैठे हैं उनको लगेगा कि क्या अमित भाई इस जमाने में शौचालय की बात करें, शौचालय कोई समस्या है? मगर मैं आज इस सभागार में कहना चाहता हूं, एक बार शौचालय का डक्टिंग बिगड़ जाए तो आपको मालूम पड़े कि शौचालय के बगैर क्या होता है। 4-4 पीढ़ियां इनकी शौचालय के बगैर चली गई, आजाद हुए 70 साल हो गए, वो मां को शौचालय नहीं मिला था, वो किशोरी बेटी को शौचालय नहीं मिला था, हर रोज शर्म महसूस करनी पड़ती थी। इसीलिए मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा कि मैं देश के हर घर में शौचालय बनाऊंगा, मेरी माता बहनों को शर्म से मुक्त करूंगा और 13 करोड़ शौचालय बनाकर करोड़ों माताओं का सम्मान। ये संवेदनशीलता होती है। मजाक उड़ा रहे थे कांग्रेस के नेता, शौचालय की बात करते, वो भूल गए महात्मा गांधी कांग्रेस के सर्वोच्च नेता, पूरे देश के राष्ट्रपिता, उन्होंने स्वच्छता और शौचालय की सफाई की थी, वो भूल गए, वो संस्कार चला गया और नरेंद्र मोदी ने वो संस्कार को जमीन पर उतारने का काम किया। मित्रों, कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मोदी जी वादे करते हैं। मैं आज आपको कहने आया हूं, मैं नजदीक से उनके गुजरात के मंत्रिमंडल में भी रहा हूं, यहां भी रहा हूं, पार्टी का अध्यक्ष भी उनके साथ ही रहा। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। इन लोगों ने 10 साल में भारत के अर्थतंत्र को चौपट कर कर रखा था। अटल जी देश में जब प्रधानमंत्री के रूप में गए, मनमोहन सिंह बने, तब देश का अर्थतंत्र दुनिया के अर्थतंत्र को की तालिका में 11वें नंबर पर था और इन्होंने एक काम अच्छा किया कि 11वें नंबर से 12वें नंबर पर नहीं जाने दिया। 10 साल तक 11वें नंबर पर देश फ्रीज रहा। मोदी जी ने 10 साल में 11वें नंबर पर से 5वें नंबर पर लाने का काम। और मैं आपको कहता हूं, एक मोदी गारंटी बता कर जाता हूं जो मोदी जी ने देश की जनता को दी है, हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन में दी है, कि 1-5 साल और दे दीजिए, अर्थतंत्र को 5वें नंबर से 3रे नंबर पर पहुंचा देंगे। ढेर सारी नई शुरुआतें, सेमीकंडक्टर हो, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो, अंतरिक्ष के अंदर जाने की पॉलिसी में बदलाव करना हो, स्टार्टअप शुरू करने हो,
ड्रोन की पॉलिसी लाना हो, नई शिक्षा नीति लाना हो, 40 से ज्यादा नीतियां बनाकर मोदी जी ने नीति के आधार पर चलने वाले स्टेट की नींव रखी है और इन नींव के आधार पर दुनिया में सबसे एक नंबर पर जाने का लक्ष्य देश की जनता के सामने मोदी जी ने रखा है। मित्रों, भारत की परंपरा है आयुर्वेद और योग, कोई इसको याद नहीं करता था। मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के रूप में सम्मान दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज पूरी दुनिया 21 जून को योग कर रही है और दवाई वगैरह लंबे आयुष्य वाले शरीर, मन, आत्मा और शरीर के बीच में एक अनुसंधान करने का विज्ञान, भारत का विज्ञान किसी भी प्रकार की फीस लिए बगैर पूरी दुनिया को सिखाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा एक भारत की संस्कृति के एम्बेसडर का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी, मैं कई बार कांग्रेस के मित्रों ऑफ द रेकॉर्ड में को आपका लक्ष्य क्या है तो चुप हो जाते हैं। मैं बोल रहा हूं आप विरोध तो कर रहे हो मगर क्यों कर रहे हो, तो चुप हो जाते हैं। मैं कहता हूं अच्छी बात के लिए समर्थन क्यों नहीं करते हो, तो चुप हो जाते हैं। फिर मैंने बोला बार बार चुप क्यों हो जाते हो, तो भी चुप रहते हैं। मित्रों, इनके पास ना नेता है, ना नियत है, ना नीति है। नेता भी नहीं है, नीति भी नहीं है और नियत भी नहीं है। ये लोग देश का भविष्य नहीं बदल सकते, ये लोग देश को नहीं बदल सकते। और जब मैं बात करता हूं राजस्थान की, तो मोदी जी ने राजस्थान में गहलोत सरकार होने के बावजूद भी आजादी के बाद सबसे ज्यादा राजस्थान के विकास के लिए कोई एक 10 साल में काम हुआ है तो नरेंद्र मोदी के शासन में, बीजेपी के शासन में। मैं आज सार्वजनिक कार्यक्रम है, श्री गहलोत को आंकड़े कहकर जाता हूं, गहलोत साहब हिम्मत हो तो इसका जवाब देना प्रेस कर। 2004 से 14 यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, डिवोल्यूशन फंड और ग्रांटी नेड में आपने राजस्थान को 1,61,00,000 रुपया दिया था। जरा जोर से बोलो कितना। मोदी जी ने 14 से 23, 9 साल के अंदर 10वां साल बाकी है, आपके 1,61,00,000 के सामने, अरे सॉरी 1,61,000 करोड़ का दिया था और आपके 1,61,000 करोड़ के सामने 6,24,000 करोड़ रुपया की सीधी ग्रांट देने का। इसके साथ साथ 70,000 किलोमीटर से लंबी शहरी और ग्रामीण और नेशनल हाईवे की सड़कें बनाई। इसके साथ साथ 6,000 करोड़ का कोटा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा मंजूर किया। उड़ान योजना में बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़ के हवाई अड्डे शुरू किए। लगभग 500 करोड़ से जयपुर का नया हवाई अड्डा बनने जा रहा है और लगभग 35 लाख यात्री हर साल जयपुर आए, इस प्रकार का प्लानिंग किया है। 57,000 करोड़ रुपया केवल और केवल रेलवे के लिए आवंटित किए। 10 नए रेलवे स्टेशन करे और विश्व स्तरीय 10 नए रेलवे स्टेशन जयपुर में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 1,100 करोड़ रुपया जयपुर की मेट्रो के लिए दिया और राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन अजमेर से दिल्ली कैंट तक चालू करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसके साथ साथ 9,000 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के लिए दिया, 4,500 करोड़ रुपया मेहसाणा भटिंडा गैस लाइन के लिए दिया, लगभग 2,000 करोड़ रुपया पेयजल आपूर्ति के लिए दिया। ये सारा 6,46,000 करोड़ से अलावे है। और गहलोत साहब हिम्मत है तो आपका हिसाब लेकर आ जाइए, ये विकास नहीं कर सकते। ये ईस्टर्न इरिगेशन योजना आपकी कब की समाप्त हुई, भजन तो हमारे भजनलाल अभी मुख्यमंत्री बने हैं, 5 साल से सहलाते रहे, इसने एक ही महीने में इसको समाप्त कर राजस्थान के 13 जिलों के पीने के पानी की समस्या समाप्त, क्योंकि ये
काम करने वालों की सरकार है, काम